मसीह यीशु के अजीम बाबर के जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुएल अपने कैमरामैन तारक प्यारा के साथ इस वक्त मौजूद हूं लाहौर सिटी के एक बहुत ही मशहूर और मरूफ बाज़ार अनारकली में। यहां पर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का ऑफिस, यहां बाइबल म्यूज़ियम भी है और आज आप मेरे साथ बाइबल म्यूज़ियम का विज़िट करेंगे। तो आए नाज़रीन चलते हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के अंदर मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस नासिर साहब। आप बाइबल सोसाइटी के मार्केटिंग ऑफिसर हैं और सबसे सीनियर स्टाफ में इनका शुमार किया जाता है। तो अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे और बाइबल म्यूज़ियम के हवाले से इनसे सारी डिटेल जानेंगे कि बाइबल म्यूज़ियम में कौन सी नवादरात इनके पास इस वक्त मौजूद हैं, उनके बारे में तफसील से हम इनसे जानेंगे। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ नेशनल न्यूज़ में। तो आप प्लीज़ सर बताइएगा म्यूज़ियम के हवाले से कि जितने कदीमी नुस्खा जात यहाँ पर बाइबल के मौजूद हैं और जितनी भी आपके पास मालूमात है वो हमारे नासीन तक आप प्लीज़ पहुँचाइए। अब आप खुदा बेटे खुदा रूल कुद्दस के नाम में आप सबको तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम नेशनल न्यूज़ के साथ मिलकर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की खिदमत को और बाइबल म्यूज़ियम के बारे में आप सबको बता सकें। और इसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये बाइबल म्यूज़ियम एक मुनफरद म्यूज़ियम है जो अपनी नौइयत में एक अपनी मिसाल को रखे हुए है। और हम इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी इन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खूबसूरत असासा और एसेट है। हमारे बच्चे जो मुख्तलिफ स्कूल्स में, क्रिश्चियन स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में और दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो अक्सर अपने साथ इकराम के साथ अपनी संडे स्कूल टीम्स के साथ यहाँ पर विज़िट करते हैं और बाइबल आर्कियालॉजी के बारे में सीखने के लिए यहाँ बाइबल म्यूज़ियम में तशरीफ़ लाते हैं। इसके साथ सेमिनरी के स्टूडेंट्स जो इल्म अलाहियात की तालीम को हासिल कर रहे हैं वो भी अक्सर औकात यहाँ पर विज़िट करते हैं और अपने इलम में इजाफ़ा करने के लिए इस बाइबल म्यूज़ियम की नवादरात को देखते और उनके जो टैग्स हैं उनके बारे में जानते और पढ़ते और फिर बाइबल मुकद्दस के साथ उनका मुवाजना करते हैं ताकि उनके इलम में खातरखा इजाफा हो सके। और ये म्यूज़ियम 2013 में इनागोरेट हुआ जब पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की 150वीं सालगिरह मनाई गई थी। और जब ये इनागोरेट किया गया तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर लाहौर म्यूज़ियम के डायरेक्टर और उनके साथ आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट के काफ़ी अफसरान और बहुत से हमारे जो स्कॉलर्स हैं उसमें शामिल हुए थे। और जब ये इनागोरेशन के बाद इस बाइबल म्यूज़ियम का उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सराहा कि एक थोड़ी सी जगह पर एक खूबसूरत म्यूज़ियम जो है वो कायम उदैम किया गया है ताकि हमारे जो हमारे मिलने वाले जो लोग दोस्त अहबाब हैं वो सब मिलकर इस म्यूज़ियम से फ़ायदा उठा सकें। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर 400 के करीब जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं और तमाम आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो बाइबल रेलेवेंट यानी बाइबल के साथ उनका रिश्ता जो है वो जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ जो यहाँ पर मौजूद है उनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है और बहुत सी चीज़ें जो हैं ये रेप्लिकास हैं यानी कॉपीज़ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खुदा उनका शुक्र है कि जो ओरिजिनल हालत में भी यहाँ पर मौजूद है। जब ये बाइबल म्यूज़ियम को इनागोरेट किया गया तो बहुत से ममालिक से हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एंथनी एजाज लैमुल ने अपने बड़ी अनथक मेहनत के साथ इस म्यूज़ियम को जो है उन्होंने सजाया, सेट किया और फिर इस काबिल किया कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर हम इसकी तारीफ़ इसकी जो अफादियत है उसके बारे में देख सकते हैं। मिस्टर एंथनी एजाज लैमुल साहब ने मुख्तलिफ ममालिक से जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इकट्ठे किए थे। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारे पास ये एक तोमार जो चमड़े पर है और हाथ से लिखा गया है ये मौजूद है और ये
अपनी ओरिजिनल हालत में है, यानी दिस इज द ओरिजिनल स्क्रोल ऑफ लेविटिक्स इन द बाइबल म्यूजियम इन पाकिस्तान। हम इसके लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे सिक्के मौजूद हैं जिनका जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। दमड़ियों की, बेवा की दमड़ियों की मिसाल एक बड़ी खूबसूरत कहानी बाइबल सोसाइटी बाइबल मुकद्दस में हमें दस्तियाब होती है देने के हवाले से, और उसके दो सिक्कों की कॉपीज भी हमारे पास मौजूद है कि उस बेवा ने किस तरह की दमड़ियाँ जो थी वो खुदावंद के घर में हैकल में जो थी वो पेश की थी। इसके साथ गुटनबर्ग का प्रेस हमारे पास मौजूद है। गुटनबर्ग का प्रेस वो है प्रेस है जो दुनिया में सबसे पहले जो था जो वहाँ जर्मन में लगाया गया था, और इस प्रेस की खूबसूरती ये है कि जब इसकी प्रिंटिंग शुरू की गई तो सबसे पहली किताब और पहला सफ़ा जो है वो बाइबल मुकद्दस का जो है वो निकाला गया। गुटनबर्ग प्रेस की जो उस बाइबल का नाम भी गुटनबर्ग बाइबल ही नाम रखा गया। इसके साथ हमारे पास कुमरान केव के मॉडल्स हैं। कुमरान केव के एक ऐसी जगह जहां पर 1946-1947 में जो है वो खुदाई के दौरान से जो थे वहां पर तोमार की कॉपीज मिली थी, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये कॉपीज जो हैं ये बिल्कुल सही हालत में थी, और इसके बारे में बताया जाता है कि वो तकरीबन 400 साल खुदावंद यीशु मसीह के से 400 साल पहले जब एक वो साइलेंट दौर शुरू हुआ था तो प्रोसिक्यूशन के दौरान उन लोगों ने इन कॉपीज को गारों में छुपा दिया गया था, और एक चरवाहा जब वहाँ पर बकरियाँ चरा रहा था और उसको उसने एक पत्थर फेंका और उसको घड़ा टूटने की आवाज़ आई, वो अपने लोगों को बुला कर लाया, देखा गया कि वहाँ पर बहुत से घड़े मौजूद हैं और उन तमाम घड़ों में जो है वो पुराने अहदनामे की कॉपीज तोमार स्क्रोल्स जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और जब उनको चेक किया गया तो मासवाय अज़रा की किताब के पूरा अहदनामा वहाँ पर मौजूद था, और जब उन तोमार्स का उन स्क्रोल्स का आज की बाइबल मुकद्दस के साथ मुआजना किया गया तो बिल्कुल कोई फ़र्क वहाँ पर नहीं पाया गया। और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा खुदा और उसके ज़िंदा कलाम को मानने वाले हैं जो ना कभी बदला है ना बदलेगा, बल्कि अपने अंदर ज़िंदगियों को बदलने की तासीर जो है रखता है। हमारे पास यरूशलेम का बहुत खूबसूरत मॉडल मौजूद है, हैकल का मॉडल मौजूद है, टैबरनेकल का हेड का जो एक मॉडल है वो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास नोहस आर्क का एक मॉडल मौजूद है जो अपने स्केल के लिहाज से बिल्कुल जेन्युइन है लेकिन साइज़ के लिहाज से जो है वो छोटी है, हमारे पास यहूदियों के घर का मॉडल मौजूद है, हमारे पास उन तमाम 12 कबीलों के जो सिक्के 12 कबीलों के जो पत्थर हैं उनका मौजूद है, हमारे पास शाही कहन यानी सरदार कहन का एक मॉडल मौजूद है जो हमें ये बात सिखाता है कि जब वो साल में एक बार मिल खुदावंद के पास पाक तरीन मकान में जाता था तो वो अपने पाँव पर अपने लिबास पर बेल्स होती थी, उसकी कमर पर एक पटका होता था, और जब तक वो बेल्स बजती रहती थी और इस बात का यकीन किया जाता था कि वो कहन जो है वो खुदावंद के हजूर जिंदा और सलामत है, क्योंकि उस जगह पर ऐसे शख्स का जाना जो किसी गुनाह में मुर्तकिब होता था वहाँ पर वो खुदावंद के सामने ठहर नहीं सकता था बल्कि मर जाता था। अगर कोई ऐसा शख्स जो गुनाह में मुर्तकिब हो, चाहे वो कहन हो चाहे वो सरदार कहन हो, अगर वो वहाँ पर मौजूद होता था जाता था तो वो मर जाता था, उसकी घंटियों की आवाज़ ख़त्म हो जाती थी और उस पटके की कमर की रस्सी से वो लोग जो हैं वो उसकी बॉडी को खींच लेते थे, क्योंकि वहाँ पर जाना किसी गुनाहगार इंसान के बस की बात नहीं थी। इसके साथ हमारे पास एक शाही रोमी सिपाही रोमी सिपासलार का जो एक गेटअप है वो मौजूद है, हमारे पास मैरी जॉन्स का एक छोटा सा हमने गेटअप और स्टाइल जो है वो यहाँ पर दिया है। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ये मुमकिन किया कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बाइबल म्यूज़ियम जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ना सिर्फ एक असासा बल्कि एक ऐसी फैसिलिटी है जो हमें बाइबल आर्कियालॉजी को समझने में और उसको सीखने में बड़ी मददगार साबित
होती है। हम सबसे पहले खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, उसके बाद हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तोहफ़ के तौर पर जो हैं ये हमें अशिया और आर्टिफैक्ट्स मुहैया किए ताकि हम अपने लोगों के लिए इसको लगा सकें। खुदावंद आप सबको देखने और सुनने वालों को बरकत बख्शे और आप ज़रूर बाइबल सोसाइटी को, बाइबल म्यूज़ियम को, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन को, तराजम के काम को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि खुदावंद का कलाम हर शख्स के हाथ में उसकी अपनी ज़ुबान में हो और हर घुटना खुदा उनके सामने झुकने वाला बन सके। मैं इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए ये भी अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी म्यूज़ियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मैप की बाकायदा तौर पर मेंबर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया है। हमारे फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एंथनी अजाज़ लैमुल साहब जो थे वो इस मैप एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं बल्कि अभी भी हैं और मैं उसका एक एग्जेक्टिव मेंबर हूं। और ये मैप के ज़रिए से हमारी इस बाइबल म्यूज़ियम की पॉपुलैरिटी जो है ये ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। हम इसके लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारी जो एवरेज विजिटेशन है वो तकरीबन 35 से 40 पर डे है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्रुप भी आ जाते हैं, 100 की तादाद में, 150 की तादाद में भी, फिर हमको ग्रुप्स की शक्ल में हम यहाँ पर उनका विज़िट कराते हैं। और फिर बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात हमसे पूछते हैं और फिर हमारे लिए बड़ा खुशी का मकाम होता है कि हम पूरी तफसील के साथ जो है हम इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में, बाइबल म्यूज़ियम के बारे में और तमाम हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हम उनको जो है वो कलाम मुकद्दस में से बताते हैं। और ये भी हमारे लिए एक बड़ा खुशकुन बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज़ किया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी, म्यूज़ियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन, आज की ये खूबसूरत वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमने यहाँ के जो सीनियर स्टाफ हैं जस्टिस नासिर साहब उनसे भी मुलाकात की और उनसे हमने जानी सारी तफसील कि यहाँ पर जो बाइबल म्यूज़ियम है वहाँ पर जितने भी नवादरात मौजूद हैं उनके हवाले से उन्होंने हमें बहुत तफसील से बताया। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ, जो इदारे हैं हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जिनमें से संडे स्कूल्स हैं और मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, उनको भी हम दावत देंगे कि वो इस जगह का विज़िट करें। तो अभी मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दें और बाइबल म्यूज़ियम का, बाइबल सोसाइटी का आप ज़रूर विज़िट करें। शुक्रिया।